श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और इस दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकुन लाल सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे। आपको बता दें, परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और पूरी होने पर ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी आज यानी 26 जुलाई को मानहानि मामले में दीवानी न्यायालय में पेश होंगे। आपको बता दें कि इसके बाद वो अमेठी और रायबरेली के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज यानी 26 जुलाई की शाम को ओपनिंग सेरेमनी के साथ पेरिस ओलंपिक्स 2024 की शुरुआत होगी। आपको बता दें, इसमें 200 से अधिक देशों के लगभग 10,500 एथलीट शामिल होंगे, जिसमें 117 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। वही खेलों का समापन 11 अगस्त को होगा। यूपी बोर्ड या फिर आईसीएसई सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मदरसा बोर्ड संचालकों को आज यानी 26 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। बता दें कि डीआईएस की ओर से सभी प्रधानाचार्यों और मदरसा बोर्ड संचालकों को यह आदेश पालन करने के लिए कड़ा निर्देश दिया गया है, साथ ही आदेश न मानने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद और पटना के बीच आज यानी 26 जुलाई 2024 को वन वे स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर चलाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि ट्रेन संख्या 09413 अहमदाबाद पटना स्पेशल आज अहमदाबाद से 4:35 पर प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन रविवार को 7 बजे पटना पहुंचेगी। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ये मानसून सत्र आज यानी 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि इसमें कुल 6 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान 29 जुलाई को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। जिले के आम नागरिकों की आवश्यकताओं, शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी के तहत आज यानी 26 जुलाई को कांकेर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बागोडार के हाईस्कूल मैदान में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण होगा। तेजारा में रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से निर्दलीय विधायक एवं पूर्व भाजपा सरकार के परिवहन मंत्री यूनुस खान का आज यानी 26 जुलाई को तेजारा आगार कार्यालय परिसर में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बाड़मेर में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संबंधी समिति की बैठक जिला कलेक्टर निशान जैन की अध्यक्षता में आज यानी 26 जुलाई को सुबह 11 बजे आयोजित होगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, वहीं कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1915 में आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य कृष्ण पट्टाभी जोईस का जन्म हुआ था। साल 1966 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का निधन हुआ था। साल 1998 में आज के दिन महानतम महिला एथलीट जैकी जायानर करसी ने एथलेटिक्स से संन्यास लिया था। साल 2000 में आज के दिन फिजी में विद्रोही नेता जॉर्ज स्पीट को सेना ने गिरफ्तार किया था। साल 2005 में आज के दिन नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।